सामाजिक संगठन परिवर्तन दी चेंज द्वारा महानगर के कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन सभागार में अपना वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंचायत भवन सभागार में आयोजित हुए वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान अतिथि द्वारा संसद द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की गई और भविष्य में संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारियों सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, आपकी ये कौन सी संस्था है और आज आपका ये क्या कार्यक्रम? परिवर्तन द चेंज एनजीओ है और 16 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत करी थी और 16 अक्टूबर मंगलवार का दिन है, तो हमने सोचा कि ये रविवार है, आज ही इसका तीसरा वार्षिक उत्सव हम लोग सेलिब्रेट करें। परिवर्तन, जैसे कि आप नाम से पता लग रहा है, बदलाव की ही शुरुआत एक करी है 3 साल पहले। आज उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। पाठशाला कार्यक्रम में हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं। पृथ्वी की उम्र बढ़ाओ से हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और पंथरी प्रोजेक्ट से हम लोग महिला सशक्तिकरण पर समाज में महिलाओं को और लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में अवेयर कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ आपकी शाखाएं अब तक रही हैं? जी, अभी देखिए, पिछले साल हम लोग सिर्फ मुरादाबाद और देहरादून में काम कर रहे थे, अभी और 2 जगह इजाफा हुआ है। हम कभी शाखाएँ खोलने के की तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जब लोग मिलते हैं, एक समान सोच होती है, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो अभी काशीपुर और रामपुर 2 लोकेशन और हम लोगों की शुरू हुई हैं। दोनों ही जगह पर बिल्कुल एक तरीके से स्वयं सेवित ढंग से लोग अपने आप सेवा कर रहे हैं और समाज में एक अच्छा प्रयास लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बदलाव के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि पाठशाला प्रोजेक्ट से हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो मरीन बस्ती में रहते हैं, जो शिक्षा के बहुत करीब है लेकिन फिर भी बहुत दूर है, स्कूल पास में है लेकिन कभी स्कूल की चौखट में कदम नहीं रखता, तो ऐसे बच्चों तक हम लोग पहुंच पाएँ, उनको जो उनका एक भविष्य है उस उज्ज्वल भविष्य से उनको वाकिफ कराया जाए, रूबरू कराया जाए कि आपको इस धरती पर आकर, इस देश में आकर आपके कुछ कर्तव्य हैं, उनको आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। ये कोशिश है कि एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण और एक बेहतर माहौल महिलाओं के लिए हम लोग प्रदान कर पाएँ अपनी संस्था के माध्यम से। बस एक यही प्रयास है और लगातार इस तरह हम लोग प्रयास करें।